हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन फॉर्म। आज हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में। पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा और जनरल पर्पज़ ऑफिसेज के लिए यूज़ किया जाता है। लेजर प्रिंटर भी ऑफिसेज के लिए यूज़ किया जाता है। लाइन प्रिंटर हमारे ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है या हमारे बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। लाइन प्रिंटर जो हमारे बैंक्स के लिए जनरली उपयोग किया जाता है। जो लाइन प्रिंटर होता है जिसमें जो करंट अकाउंट्स होते हैं, जो करंट अकाउंट्स का जो बैंक स्टेटमेंट निकलता है वो लाइन प्रिंटर के द्वारा निकलता है। कहने का मतलब ये जो करंट अकाउंट के जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं वो लाइन प्रिंटर के द्वारा निकाला जाता है। ये बैंक्स में के उपयोग करने हेतु जो है ये प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर हमारा कलर प्रिंटर होता है जो कि ग्राफिक्स और सॉफ्ट्स में उपयोग किया जाता है। ये होता है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में कई प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है लेजर, इंकजेट, थर्मल, फोटो प्लॉटर्स एक्सेट्रा। प्लॉटर्स में भी दो प्रकार के होते हैं, पेन बेस्ड प्लॉटर और इलेक्ट्रो स्टैटिक प्लॉटर। तो ये होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। अब जो इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज़्यादा लेते हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स आपके बिजली की सप्लाई कम लेते हैं और आपको रिजल्टेंट ज़्यादा अच्छा और बेस्ट क्वालिटी पर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो।